ऑस्कर अवार्ड्स अनाउंस्ड हो चुके हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा इस बार का ऑस्कर अवार्ड्स, क्योंकि दो मेजर कैटेगरीज की अवार्ड जापानीज मूवीज ने जीता। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हेरोइन, द बेस्ट विजुअल इफेक्ट वाली मूवी बनी गॉडजिला माइनस वन। इसकी बजट सिर्फ $15 मिलियन बताया जा रहा है, जबकि बाकी सारी मूवीज इस कैटेगरी में जो नॉमिनेटेड थी उनका बजट 200 से $250 मिलियन था। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा ये अवार्ड। बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है अमेरिकन फिक्शन ने, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है एटोनॉमी ऑफ ए फॉल ने, बार्बी जो लास्ट ईयर की सबसे बड़ी हिट मूवी थी इसको एक अवार्ड मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है बार्बी ने। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का जो अवार्ड जीता है इसने जोन ऑफ इंटरेस्ट, इसने बेस्ट साउंड का भी अवार्ड जीता है। पुअर थिंग्स नाम की मूवी ने 4 अवार्ड जीते हैं, बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट एक्ट्रेसेस एमा स्टोन। ओपेनहाइमर ने सारे मेजर कैटेगरीज के अवार्ड को जीतते हुए टोटल 7 अवार्ड जीते हैं, जो सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली मूवी बनी इस साल की। बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, बेस्ट एक्टर क्लिन मॉर्फी, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और बेस्ट फिल्म के समेत सारे अवार्ड इस फिल्म ने जीत लिए हैं।